नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। सीएम शिवराज सिंह चौहान के अवैध और वैध को सख्त निर्देशों के बाद भी नीमच में नगरपालिका सीएमओ सीपी राय की दोहरी कार्य प्रणाली देखी जा रही है, जहां धन्ना सेठों के लिए अवैध निर्माण कार्यों पर सिर्फ एक नोटिस की कार्रवाई देखने को मिलती है। नोटिस के बाद ऐसा क्या होता है कि नगर पालिका उस अवैध निर्माण कार्य को देखकर भी अनदेखा करती है। दरअसल शहर में एक नहीं बल्कि नगर पालिका से 500 मीटर की दूरी पर ही अवैध निर्माण कार्य दलदल से चल रहे हैं और नगर पालिका मामले में संज्ञान लेने को तैयार नहीं। ऐसे एक नहीं, LIC चौराहे के समीप भी अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं। लगातार शहर में कई जगह धन्ना सेठों के अवैध निर्माण कार्य चल रहे, जहां नगर पालिका की मात्र एक नोटिस की कार्रवाई सीमित दिखाई दे रही है। नोटिस के बाद बंद केबिन में ऐसा क्या होता है कि नगर पालिका के सीएमओ इस अवैध निर्माण कार्य को देखकर भी अनदेखा करते हैं और खुलेआम अवैध निर्माण कार्य दलदले से चल रहे हैं। जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने जब नगर पालिका का आकस्मिक निरीक्षण करा तो निरीक्षण के दौरान जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो जिला कलेक्टर ने जल्द सीएमओ से बात कर ऐसे अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। देखना होगा, कलेक्टर ने सख्त निर्देश जरूर दिए हैं सीपी राय सीएमओ को, लेकिन क्या सीएमओ महाशय इस मामले में कार्रवाई करेंगे या हर बार की तरह फिर इस बार भी अवैध निर्माण कार्य दलदल से चलते रहेंगे और नगर पालिका का सिर्फ एक नोटिस कार्रवाई की तरह दिखाई देगा। उसके बाद से अवैध निर्माण कार्य जो है वो धड़ल्ले से चले, सिर्फ नगर पालिका की कार्रवाई नोटिस तक होती है, नोटिस के बाद वो निर्माण कार्य शुरू हो जाते हैं। ऐसे एक नहीं, बोहरा का अभी बोहरा का नगर पालिका के सामने निर्माण हो रहा है, अब LIC रोड के पास में निर्माण हो रहा है, होम फ्रेश के पास में निर्माण हो रहा है। पहले एक 100% MOS में भी नगर पालिका ने समझौता कर लिया, तो क्या नियमों में ऐसा होता है या नियमों को साथ में क्यों रखा जा रहा है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये किसी एक CMO पर आरोप लगाना तो गलत होगा। MOS के उल्लंघन आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि वस्तुति होते रहते हैं। ये एक बड़ी ये बड़ा कॉन्टीन्यूस सा प्रोसेस है, इलीगल है, बड़े होता है, मतलब इसको हम नकारें तो वो गलत होगा। लेकिन डेफिनेटली जहाँ जहाँ पे हमको शिकायत मिलती है उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। कई ऐसे प्रकरण हैं जहाँ पे या तो डॉक्यूमेंट के अभाव में या कुछ और कारणों से वो केसेस पेंडिंग है। तो इसमें सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि कोई अधिकारी विशेष की आरोप लगाना तो गलत होगा, बट डेफिनेटली जो इस तरह के मामले अगर आप बता रहे हैं उस पर शिकायत हमारे पास विधिवत आती है तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। एज़ फार एज़ आपने जो कुछ पर्टिकुलर मामलों के बारे में बात करी है उस विषय में आज मैंने ऑलरेडी निर्देश दे दिए हैं और उसमें जहाँ जहाँ पर लगेगा वहाँ पर हम कब्जे भी नगर पालिका उनका लेंगे। बेसिकली सारे मामले सीएमओ साहब के संज्ञान में है और तत्कालिक सीएमओ की बात करके वर्तमान वाले की नोटिस दिया जाता है तब काम रुक जाता है, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या होता है काम चलता है और नगर पालिका संज्ञान में आने के बाद भी सीएमओ साहब उसको संज्ञान में नहीं लेते हैं, ये सवाल हमारा है। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जैसे मैंने कहा, लेकिन जब तक उसकी लीगल एक कोई शिकायतकर्ता ना हो, शिकायतकर्ता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है जिससे हम आगे केस को ले जा पाए। तो वो शिकायतकर्ता जब तक बयान हमको नहीं मिलता तो वहाँ हमको दिक्कत होती है। और साथ ही साथ अगर कुछ ऐसे मामले कई जैसे जहाँ पे बंगला बगीचा के आप जानते हैं, जहाँ पे कई जगह कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं, लगभग 200 ऐसे जगह हैं जहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस पिछले कुछ सालों में बने हैं, वो फाइलें भी ऑलरेडी शासन स्तर पर भी पेंडिंग हैं। अब वो सारे कमर्शियल बन गए हैं लेकिन अभी उस पर हम आगे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस तरह से कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं जिसमें, और कई लोग कोर्ट से जीत के आ गए हैं, कोर्ट से जीत के आ गए तो उनमें भी हम लोग आगे कार्रवाई नहीं कर पाते, इवन अगर उसका कुछ उल्लंघन है। वो जीतने के कारण कुछ उनका कुछ और हो सकता है, लेकिन अगर उनको वो कोर्ट से जीत के आ गए तो उस पर हम जैसे अभी वर्तमान में जो बिना अनुमति के बन रहे हैं उसको नोटिस दिए हैं, क्या उन पर आप संज्ञान में लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ अभी संज्ञान में आ गए हैं और जैसे अभी आपको लेटेस्ट आप जो बोहरा कॉलोनी का वो जो बता रहे हैं, कॉलोनी बोहरा जो भी है उनका अगर होगा तो हम लोग नगर पालिका से कब्जा भी रहेगा।